हाय मेरे साथ कौन चुका है, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं JP1 कोर्स के चैप्टर नंबर 10 की वीडियो नंबर 2। तो चलिए कहते वीडियो शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं डूनंगो देवा हज में मशो। गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं यहाँ पर पैटर्न नंबर 4। ठीक है, लास्ट हमने 3 पैटर्न लास्ट की वीडियो में सीख लिए थे। तो गाइस यहाँ पर जो पैटर्न नंबर 4 है वो आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करेगा। अगर आप बेसिक लेवल पे हो, अभी आप जिस लेवल पर आप अभी हो उस लेवल पर आपको ये कन्फ्यूज करेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है। तो 10 चैप्टर में जो है 4th पैटर्न है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब नाउन को समझना पड़ेगा। वर्ब नाउन क्या होती है? वर्ब नाउन वो नाउन होती है गाइस जिसमें हम शीमास लगा करके उनको वर्ब बना सकते हैं। किसी भी नाउन के पीछे अगर हम शीमास लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगी, तो वो वर्ब नाउन कहलाएगी। अब वो वर्ब नाउन, जैसे हम बोलते हैं कि रियोको ट्रिप, ट्रिप ट्रिप हमने बोला रियोको, तो रियोको शीमास लगा दिया हमने, तो वो हो गया ट्रिप करना, तो वो वर्ब बन चुकी है ना। तो इस तरीके से जो भी नाउन होगी, अभी हर किसी नाउन के पीछे शीमास लगाने से वो वर्ब नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो वो आपको जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उस से आपको पता लग जाएगा, या फिर कोई भी नाउन होती है तो उसके पीछे आप सीमास लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वर्ब बन रही है या नहीं भी, या फिर ऐसे ही आप फालतू में भेड़ जा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझे कि वर्ब नाउन क्या होती है। जब आपको ये समझ में आया वर्ब नाउन क्या होगी, तो हम ये पैटर्न आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बात करी वर्ब नाउन की, तो वर्ब नाउन से पहले यहाँ पर शीमास, बाद में शीमास लगा रहे हैं, या फिर शीमास हमने डायरेक्टली। अब यहाँ पर पार्टिकल ओ को देखिए आप कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर वर्ब नाउन से पहले लगा हुआ है ओ पार्टिकल, और यहाँ पर शीमास के बाद लगा हुआ है ओ पार्टिकल, शीमास से मतलब पहले लगा हुआ ओ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब नाउन है ये ऑलरेडी एक वर्ब बन चुकी है, और यहाँ पर जो शीमास है ये भी एक वर्ब ही है। ठीक है ना, तो वर्ब से पहले हम ओ पार्टिकल लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्ब से पहले हम ओ पार्टिकल लगा रहे हैं, जो कि हमारी नाउन है, जो वर्ब से पहले वाली जो नाउन है, इसको, इस पे जो एक्शन हुआ है स्पीकर का या सब्जेक्ट का, इस पे जो एक्शन हुआ है उसको शो करता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मार्कर हम अक्सर इसको बोलते हैं ओ पार्टिकल को, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आप आते हैं अपने सेंटेंस पे, इससे आप समझोगे कि यहाँ पर क्या फंडा है। यहाँ पर है गाक्से ताचिवा क्यों शित्सुदे हात्सु ओन ओ रेंशो शिमास। तो रेंशो इज अ नाउन प्रैक्टिस, रेंशो शिमास इज अ वर्ब टू प्रैक्टिस। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करना है, और हात्सु ओन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हात्सु ओन और रेंशो शिमास आप लगाओगे। ठीक है, कि हात्सु ओन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पर हात्सु ओन पर बच्चों ने, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उनका एक्शन हुआ हात्सु ओन पर, और रेंशो शिमास उन्होंने किया। ठीक है, रेंशो प्रैक्टिस करी, तो बच्चों ने क्योशित्सु दे क्लासरूम में प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस करी, या फिर करेंगे, रेंशो शिमास है तो वो करेंगे मतलब। ठीक है ना, फ्यूचर में चला गया, या फिर प्रेजेंट में भी ले सकते हैं कि रेंशो शिमास प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब हम सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, इसमें डिफरेंस समझिएगा क्या है, कि गाक्से ताचिबा क्यों शित्सु दे, यहाँ तक तो सेम है कि बच्चों ने क्लास में, अब यहाँ पर है हात्सु ओन नो रेंशो ओ शिमास। ठीक है, हात्सु ओन नो रेंशो शिमास, अब यहाँ पर जो नाउन है ऊपर क्या किया इन्होंने, कि जो रेंशो शिमास था इन्होंने इसको जोड़ा, उसको रेंशो शिमास को जोड़ते ही जो रेंशो था वो नाउन नहीं रह गया, वो यहाँ पर वर्ब बन गया पूरा, रेंशो शिमास वर्ब बन गया पूरा। तो वर्ब से पहले इन्होंने वो पार्टिकल लगा दिया अपने एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट मार्कर की तरह हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर देखिए, मैं अभी अलग, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो नाउन थी यहाँ पे, इसको इन्होंने नाउन ही रखा, और ओ पार्टिकल यहाँ पे ऑब्जेक्ट मार्कर रखा, और यहाँ पर इसको वर्ब बना दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको वर्ब बना दिया। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें क्या किया कि यहाँ पर इसको वर्ब जो है वो ये है बस खाली सीमास, और यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने पूरा नाउन बना दिया। ठीक है, अब नाउन पर एक्शन हो रहा है तो ओ पार्टिकल लगाओगे। हात्सु ओन नो रेंशु मतलब ये पूरी नाउन बन गई, कि हात्सु ओन रेंशु मतलब प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस, प्रोनंसिएशन की जो प्रैक्टिस है वो पूरी अब नाउन बना दी इन्होंने। अब उसको, उसके ऊपर एक्शन हुआ ओ शिमास, वो करते हैं, कि मतलब गाक्से ताचिवा क्यों शित्सु दे हात्सु ओन नो रेंशु ओ शिमास, कि बच्चे क्लास में हात्सु ओन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, आपको पार्टिकल में
कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ओ था, यहाँ पर नो कैसे आ गया, यहाँ पर सीमास था, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ओ कैसे आ गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने पूरा वर्ब रखा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वर्ब को तोड़ दिया। अब यहाँ पर नाउन अलग रखा और सीमास को अलग से इन्होंने ओ सीमास करके दिखाया कि वर्ब का एक्शन नाउन पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस आता है वाता शिबा निहोन नो दाइगाकु दे देंकी को गाकु वो बेंक्यो शितेमास। अब इसी तरीके से यहाँ पर बेंक्यो शितेमास बेंक्यो नाउन बेंक्यो शितेमास इस वर्ब, तो यहाँ पर जो ये है वो पूरी वर्ब है और जो नाउन है वो ये है देंकी को गाकु, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। तो वाता शिबा मैं जापान की यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा या करता हूँ। ठीक है, बेंक्यो शिमास मैं उसकी पढ़ाई करूँगा, ओ बेंक्यो शिमास। ठीक है, मैं अब यहाँ पे एक्शन ऑब्जेक्ट इंडिकेटर है ओ बेंक्यो शिमास पढ़ाई करूँगा। नेक्स्ट है वाता शिवा निहोन नो दाइगाकु दे देंक्यो कोगाकु नो बेंक्यो शिमास। ठीक है, तो देंक्यो कोगाकु मतलब नाउन को नाउन देंक्यो कोगाकु नो बेंक्यो, अब पूरी को नाउन बना दिया हमने, देंक्यो कोगाकु नो बेंक्यो ओ शिमास इसकी पढ़ाई में करूँगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अब भी कन्फ्यूजन में हो तो गाइज मेरे से पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको क्लियर कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ पैटर्न जो कि हमारा प्लेस ए वर्ब की मास फॉर्म में से मास हटा करके नी पार्टिकल आप लगाओगे, जो कि आपका एक पर्पस पार्टिकल की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, और इकी मास की मास या फिर कायरी मास आप वर्ब लगाओगे, या जाना आना और कायरी मास लौटना। ठीक है, तो कोई भी काम होगा यहाँ पर पर्पस से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नी पार्टिकल है वो एक पर्पस को शो करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वाता शिवा अश्ता कुको ए तोमोदाचियो मुकाई ने इकीमास। ठीक है, मैं वाता शिवा अश्ता कल कुको, एक कुको होता है एयरपोर्ट, कुको ए तो कुको एयरपोर्ट है। अब यहाँ पर अक्सर आप देखते हो कि जो मूविंग पार्टिकल होता है ए पार्टिकल होता है, जो मूवमेंट पार्टिकल होता है, मूवमेंट करते हैं हम जब किसी की तरफ को या कहीं पे भी, इकीमास कीमास और काईमास के साथ अक्सर हम लगाते हैं। तो यहाँ पर ए पार्टिकल लगाया मूवमेंट की कुको ए, अब जो एयरपोर्ट की तरफ मूवमेंट हो रही है तो कुको ए तोमोदाची ओ मुकाई नी, तोमोदाची ओ मुकाई मतलब फ्रेंड का स्वागत, मुकाए मास स्वागत करने के लिए लगाते हैं, तो मुकाए नी हमने लगा दिया, तो स्वागत करना एक पर्पस को शो करेगा, स्वागत करने इकीमास जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक्शन दिखाया कि तो तोमोदाची ओ मुकाए कि फ्रेंड की ओपनिंग या वेलकम, फ्रेंड के वेलकम में जाऊँगा, और ए पार्टिकल भी इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर एक मूवमेंट हो रही है किसकी तरफ को, कुको एयरपोर्ट की तरफ वो जाएगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाता शिवा अश्ता कुको ए तोमोदाची ओ मियोकुरी नी इकीमास। अब यहाँ पर इसी तरीके से ये भी सेंटेंस है कि मैं कल एयरपोर्ट फ्रेंड को मियोकुरी, मियोकुरी मतलब होता है सी ऑफ, उसको छोड़ने उसको विदा करने नी इकीमास। अब नी यहाँ पर जो दोनों नी यहाँ पर लगे हुए हैं ये पर्पस को शो करते हैं कि कोई काम करने के लिए जा रहा है, वो यहाँ पर एक पर्पस शो कर रहे हैं। ठीक है, नी इकीमास के लिए मैं जाऊँगा। ठीक है, वाता शिबा राइनेन कुनी काजो कुनी आई नी काइरिमास, कि मैं अगले साल कुनी ए अपनी कंट्री काजो कुनी आई फ्रेंड अपनी फैमिली से मिलने के लिए लौटूंगा, मिलने के लिए खैरिमास लौटूंगा वापस जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाओगे। नेक्स्ट है अरिसान वा वाताशीनो तकोरो ए ओकानियो कारिनी किमाश्ता, कि जो अरिसान है वो मेरे पास वाताशीनो तकोरो ए मेरी तरफ को मूवमेंट मेरी तरफ वो आया मेरे पास आया, तो वाताशीनो तकोरो ए ओकानियो कारी नी मतलब पैसे उधार लेने के लिए किमाश्ता आया था, अरिसान मेरे पास पैसे उधार लेने के लिए आया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पैटर्न नंबर सिक्स, पैटर्न नंबर सिक्स में आपको क्या करेंगे, प्लेस ए नाउन ओ वर्ब नाउन शीनी। हम यहाँ पर किसी नाउन पे एक्शन हो रहा है, वर्ब नाउन शीनी एक पर्पस को शो करेगा, दोनों यहाँ पर एक पर्पस को ही शो कर रहे हैं दोनों, और इकीमास कीमास का एरिमास जो भी आपको लगाना है। वाता शिवा निहोन ए केजाई ओ बेंक्यो सी नी कीमास्ता, बेंक्यो शिमास। अब यहाँ पर शिमास स्टेम फॉर्म हमें करना है, स्टेम फॉर्म मतलब मास फॉर्म में से मास हटा देना है, शिमास में से मास हटाया तो बता शी, तो शी बचा बेंक्यो शी, और नी यहाँ पे लगाया एक पर्पस के लिए कि पढ़ाई करने के लिए आया था, कि मास्ता पढ़ाई करने के लिए आया था। तो वाता शिवा मैं नियोन ए केजाई ओ, मैं जापान नियोन की जापान की तरफ आया है, जापान में आया है, तो जापान ए नियोन ए अब केजाई ओ बेंक्यो शी नी। ठीक है, तो एक्शन क्या हुआ कि केजाई पढ़ाई किसी कर रहा है वो, केजाई
मतलब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए आया था, मैं जापान इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए आया था, ठीक है। एक पर्पज शो किया नी ने, वाताशी वा निहोन ए केजाई ओ केजाई नो बैंक्यो नी किमाश्ता। अब गाइस यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि वर्ब नाउन जो वाली वर्ब नाउन जो वाली नाउन होती है उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें से शिमास हटाया तो वो बस नाउन रह गई। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया भी हुआ है ये कि नाउन नो वर्ब नाउन नी, ठीक है। तो वर्ब नाउन शिमास नहीं लगाना, वर्ब नाउन बस नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो वर्ब नाउन ही रखना है बस आपको, वर्ब उसको नहीं बनाना। कि केइजाइनो बैंक्यो नी, केइजाइनो बैंक्यो नी मतलब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नी की माश्ता के लिए आया था। तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया था और यहाँ पे पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए आया था, ठीक है। तो पढ़ाई करना और पढ़ना दोनों अलग अलग है। पढ़ाई करना इज़ अ वर्ब और पढ़ना एक नाउन के लिए, नाउन की तरह भी ले सकते हैं कि मैं जापान इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए आया था, ठीक है। यही इकोनॉमिक्स नो बैंको, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए आया था, ठीक है। सो एज अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जो कि प्लेस ए नाउन नो वर्ब नाउन नी इकीमास कीमास एंड खैरीमास। तो प्लेस ए मतलब किसी प्लेस की तरफ आप एक्शन मूवमेंट कर रहे हो, इकीमास कीमास खैरीमास वर्ब आ गई, तो आपको ए पार्टिकल प्लेस के जस्ट बाद लगाना है और वर्ब नाउन जो वाली नाउन होती है उसके आगे आपको नी पार्टिकल लगाना है। नी पार्टिकल आपका पर्पस को शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर वाताशिताचिवा राइगेत्सु ओसाका नो कोजो ए केनगाकु नी इकीमास, कि हम अगले महीने ओसाका की फैक्ट्री, तो प्लेस हो गया ओसाका की फैक्ट्री, तो प्लेस हमने लगाया जस्ट बाद पार्टिकल ए ओसाका नो कोजो ए। और वर्ब नाउन वाली जो नाउन होती है वो आप यूज़ करोगे केनगाकु पार्टिकल नी, पर्पस पार्टिकल केनगाकु नी इकीमास, हम अगले महीने ओसाका की फैक्ट्री में विजिट करने जाएंगे। स्टडी विजिट होती है, जो स्टडी ऑब्जर्वेशन होती है वो साइट सींग करने के लिए हम जाएंगे नी इकीमास, ठीक है। कोएन ए सांपोनी इकीमाशो, ठीक है। कोएन ए सांपोनी इकीमाशो मतलब पार्क, कोएन की तरफ प्लेस हो गया पार्क, तो कोएन ए पार्क सांपोनी वॉक करने के लिए चलते हैं, वॉकिंग के लिए चलते हैं, कोएन ए सांपोनी इकीमाशो, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तीन पैटर्न हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आपको थोड़ा पार्टिकल पर ध्यान देना है, वर्ब नाउन पर ध्यान देना है और ये पार्टिकल पर ध्यान देना है कि मूवमेंट किस तरफ हो रही है प्लेस के बाद, जस्ट आपको ये पार्टिकल लगाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।